हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वंदनास कुकिंग वर्ल्ड में। आज मैं वापस आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, सूजी फिंगर चिप्स। ये एक क्विक स्नैक्स है, ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगता है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। 1 कप सूजी, 1 चम्मच चाट मसाला, 2 आलू उबले हुए मीडियम साइज के, नमक स्वाद अनुसार। एक बार इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देख लीजिए। तो आइए सूजी फिंगर चिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले एक पैन ले लीजिए, उसमें 2 कप वाटर डाल दीजिए और उसे बॉईल होने दीजिए। देखिए ये बॉईल हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। इसे मिक्स कर दीजिए। अब सूजी डाल दीजिए, इसे भी मिला दीजिए और अच्छे से मिलाइए। इसमें लम्प्स नहीं बनने चाहिए। देखिए इसे धीरे धीरे मिलाते रहिए। मीडियम आंच पे ही मिलाते रहिए इसे। देखिए मेरा मसाला अब तैयार हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसमें जो बॉइल्ड पटैटोज है उसे हम ग्रेट करेंगे। अब इसमें आलू के लिए हम नमक और चाट मसाला डालेंगे। अब हाथों से अच्छे से मैश करके मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा गर्म रहेगा तो थोड़ा ध्यान से मिक्स करिए। देखिए मेरा मिक्सर तैयार हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और वापस इसे मिक्स कर लूंगी। अब एक मिक्सर का बॉल बना लीजिए और एक प्लास्टिक शीट रख ले लीजिए, उसको ऐसे बीच में रख दीजिए और अब हम इसे हैंड से प्रेस कर करके एक सेमी सर्कल बनाएंगे। थोड़ा सा हल्के आस्ते इसको प्रेस करिए और फिर हम बेलन से वापस एक बार इसको अच्छे से प्लेन कर देंगे। अब इसको हम फिंगर चिप्स की शेप्स में काटेंगे और याद रखिए चाकू में तेल लगा लीजिए क्योंकि ये चिपकने लग जाते हैं चाकू में। इसको थोड़ा काटने में थोड़ा मुश्किल आता है पर ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो शेप्स का मैटर मत करिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए इसे काट लीजिए जैसे भी साइज और शेप में आप चाहते हैं। देखिए मैंने काट लिया है और तब तक मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। इसे हमें डीप फ्राई करना है।
इसका मैंने एक और तरीका बताया है काटने का। ये ऐसे भी काटने में बहुत इजी होते हैं। देखिए इसे डीप फ्राई कर दीजिए और इसे सॉस के साथ सर्व करिए। बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ये। इसके ऊपर चीज से गार्निश करके भी खाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज मेरे चैनल में कमेंट जरूर करिए।